इंजीनियर कुमार, सभी अधिकारियों का और जितने भी एयर वॉरियर्स आज यहाँ हमारी सभा में प्रस्तुत हैं, आप सभी का भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान मौजूद है, डॉक्टर ख्वाजा अली। पहले भी हमारे बीच वो आ चुके हैं और हमें हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वो हमें पहले भी बता चुके हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं। हम डॉक्टर ख्वाजा अली का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस सभा की सभा में। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर ख्वाजा अली। उनके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगी। डॉक्टर ख्वाजा अली IIT से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और व्यवहार विज्ञान में PhD डॉक्टर ख्वाजा अली ने अपनी एक विचारधारा बनाई और उसका अनुसरण किया। डॉक्टर ख्वाजा अली के विचारों में कार्य करना आनंद प्राप्ति का एक साधन है। डॉक्टर ख्वाजा को निरंतर रूप से रक्षा प्रतिष्ठानों, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों द्वारा कार्यशालाओं में व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जाता है। तथापि वह व्यवहारिक संपर्क और शिक्षक से ज्ञान तथा स्थापित विचारधारा को ईमानदारी से पालन करने को प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर ख्वाजा अली बंजारा एकेडमी के संस्थापक और प्रमुख हैं। बंजारा एकेडमी अपनी तरह का एक संस्थान है जो जीवन की गुणवत्ता के उत्थान के प्रति समर्पित है। उन्हें प्रत्येक को सक्षम और सशक्त बनाकर उसे अपनी महत्ता स्थापित करने और अपने आप को उपयोगी साबित करने की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 अक्टूबर को हम अफवा डे मनाती हैं और उसी के चलते हमारी गतिविधियाँ चली रहती हैं। उसी की गतिविधि का एक ही हिस्सा है जो आज हमारे यहाँ पर लेक्चर है। लेक्चर का जो सब्जेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्टिव एजिंग पर। स्ट्रेस का हिंदी मिलेंगे तनाव और हम सभी इस तनाव से गुजरते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये बोल सकेगा कि मुझे किसी बात का कोई तनाव नहीं है। कभी तनाव को अच्छी बातों के लिए होता है, कभी कुछ बुरी बातों के लिए होता है, पर हर इंसान के पास तनाव जरूर होता है। लेकिन हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं वो बहुत मायने रखता है। और एक्टिव एजिंग के बारे में आप जानते हैं, हम धीरे धीरे हमारी जिंदगी जब बढ़ती जाती है बुढ़ापे की तरफ, एक मन में एक डर सा रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। एक्टिव एजिंग सर हमें उसके बारे में समझाएंगे कैसे जब हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से किस तरह से हमें अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल वैसे लोग सभी जानते हैं जैसे हमने देखा रिटायरमेंट के बाद में कोई भी आजकल घर नहीं बैठता है, सब चाहते हैं कि हम फटाफट जॉब पिकअप करें और एक्टिव रहें अपनी जिंदगी में, और ये बहुत जरूरी है। तनाव जो है बच्चों को लेकर, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप को लेकर, अपने बॉस को लेकर, बॉस अपने सर जो भी उनके साथ काम करते हैं उनको लेकर, तनाव की कोई कमी नहीं है जिंदगी में। लेकिन एक आत्मविश्वास जो आपके पास में होना चाहिए जिसे आप अपने तनाव को कम कर सकें। और हमने यही सोचा कि क्यों ना हम जलाली स्टेशन से तनाव को दूर भगा दें, और इसलिए आज हमने आप सबको इन्वाइट किया है और इस तनाव को दूर करने के लिए हमारी मदद करेंगे डॉक्टर ख्वाजा अली। हमें डॉक्टर ख्वाजा अली से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को प्रकट करें। थोड़ा सा हम डेफिनेशन में जाते हैं कि किसको कहते हैं तनाव, किसको कहते हैं स्ट्रेस। अगर हम उसको समझ जाएं तो फिर उसको आगे लेके बढ़ेंगे कि कैसे आता है स्ट्रेस, क्यों आता है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है। सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि स्ट्रेस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, वो कोई बुरी चीज नहीं है। जब स्ट्रेस कहते हैं तो हम उसको एक नेगेटिव अंदाज में हम कहते हैं कि अरे आई एम स्ट्रेस्ड, आई हैव स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो बुरा होता है। अगर आप में स्ट्रेस ना हो, यू स्ट्रेस ना हो तो आप परफॉर्म करेंगे ही नहीं। अगर आप एयर वॉरियर हैं
आपको ड्यूटी करनी है, आपको कहा जाता है कि 8 बजे ऑफिस में रहिए। जब आपको यह पाबंदी लगाई जाती है कि 8 बजे आपको ऑफिस में रहना है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मुझे सवेरे से ही वक्त में उठना चाहिए, मुझे नहाना धोना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए और मुझे ऑफिस पहुंचना चाहिए। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आज आपकी ड्यूटी ये है कि आप घर जाने से पहले इतना काम आप कंप्लीट करें, ये कंप्लीट होने तक आप घर नहीं जाएंगे, ये ऑर्डर दिए गए हैं आपको। तनाव और बढ़ जाता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से आप गृहस्थी नहीं है, हाउसवाइफ, आप जानते हैं कि बच्चे को रेडी करके स्कूल में भेजना चाहिए ये टाइम तक, और बच्चे को अगर सुबह सही वक्त में नहीं उठाया जाए तो वो ब्रेकफास्ट सही नहीं खाएगा और भूखा चला जाएगा, और वो ब्रेकफास्ट करने से पहले आप उसका ब्रेकफास्ट तैयार करना है आपको, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां लग जाती हैं और समय की पाबंदी जब लग जाती है तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और इस स्ट्रेस की वजह से जब स्कूल ये कह दिया है कि बच्चों को 7:30 बजे स्कूल की गेट के अंदर होना चाहिए, अगर 7:30 के बाद बच्चा लेट आया तो उसको अंदर आने नहीं देंगे, और अगर अंदर आने नहीं देंगे तो वो एक दिन की पढ़ाई मिस कर देगा, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस जो है वो बुरी चीज नहीं है, अगर स्ट्रेस ना हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं जाऊँगा टाइम पे, क्या कर लेंगे, सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कोई बात नहीं, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया, उसकी जिंदगी क्या होगी। उसी प्रकार से गृहस्थी है, देखिए क्या होता है, बच्चा ठीक है कोई बात नहीं स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल से निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो वैसे तो जीवन नहीं बिताया जा सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज को आप मन में रखें कि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड, बुरी चीज नहीं है। स्ट्रेस बुरा तब होता है जब वो यू स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपके ऊपर इतनी पाबंदी लगाई गई है, इतनी जिम्मेदारियां दी गई है, या इतना आपके ऊपर प्रेशर डाला गया है कि आपकी जो कैपेसिटी है करने की उससे वो बढ़ गया है, तो यहां पर आपका परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू होता है। आप में से जिनकी शादी हो चुकी है और कई वर्ष बीत चुके हैं शादी के बाद, कितने ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं हाथ उठाने के लिए भी नहीं कहूंगा, मैं गरज नहीं करना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनने कभी झगड़ा नहीं होता, कोई पति पत्नी है ऐसे जिनने झगड़ा नहीं होता। अगर पति और पत्नी के बीच में बहस ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, तो वो अपने मन के विचार दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकेंगे। तो होता क्या है कि पति ये कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, पत्नी कहती है नहीं मुझे वो चाहिए, पति ये कहता है कि आज ये करेंगे, पत्नी कहती है वो करेंगे, और दोनों में बहस होती है, तनाव होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जितना आप बहस करके जो आपके सामने विषय है उसको सुलझाएंगे, उतना आप अपनी जो शादी के आपका बंधन है उसको आप मजबूत करते जाते हैं, क्योंकि जितने बार आपने आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगी, और जितने बार आप उसको रिजॉल्व करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने रिश्ते में, और आगे चल के आप उस गठबंधन को आप मजबूत कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं हम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ, या तो ये कि पति या पत्नी दोनों में से एक जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है भाई तुमको जो करना है, या उससे भी बुरा ये कि तुम जो कहना है तुम अपना कहते जाओ, मुझे जो कहना है मैं अपना कहते जाता हूँ, एक दूसरे से कोई दूसरे को लेना देना ही। आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका बॉस हो, आपका कोई साथी हो, आपका कोई सबॉर्डिनेट हो जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, अब कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो अगर आप उसको अपने मन से निकाल सकें, अगर बोल सकें कि साहब ये मुझे डिफिकल्टी है और इस चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप उसको अंदर ही अंदर रख लेंगे अपने मन में कि क्या किया जा सकता है, ये तो सीनियर है मेरे, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, या मैं किसी के सामने कुछ बोलूंगा तो उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ हो जाएगा, तो छोड़ो यार क्या, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है,
आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो आपका सीनियर तो ट्रांसफर होकर चला जाएगा लेकिन आपके काम करने की आदत कम हो जाती है। आप में जो एक हौसला था और जो आप में जो इंटरेस्ट था काम करने का, होता क्या फर्क पड़ता है यार, कितना भी काम करो देखो बॉस कैसे होते हैं क्या क्या होता है। आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जब आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो आपके काम के लिए रिफ्लेक्ट होता है, आपके प्रमोशन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, होते होते क्या होता है आपकी घरेलू जिंदगी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। आप ऑफिस जाते हैं, जब आप ऑफिस से वापस आते हैं तो आप खुश नहीं आते, आप अपने आप में जो तनाव है या जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मुझे बर्दाश्त करना है, मैं तो मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं तो कोई सीरियल नहीं हूँ कि मैं रिजाइन करके चला जाऊँ या कुछ करूँ, मुझे तो अभुगत नहीं है। तो जब ये हेल्पलेसनेस और ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, घर में आके अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर निकलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप गुस्सा करके या डांट के निकालें। आपका बच्चा आता है कहता है कि डैडी मुझे वो आज मैं वो देखा था टीवी में एक प्रोग्राम था, उसमें बताया गया है कि हवाई जहाज में ऐसा होता है हेलीकॉप्टर तंग मत करो मुझे, छोड़ो जाओ। अब बच्चा जो आपसे कुछ सीखना चाह रहा है या आपसे एक बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है वो ये फील करता है कि देखो डैडी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, पिताजी मुझसे नहीं बात करना चाहते हैं, मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। होते होते क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज आता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब बच्चा जब समझिए कॉलेज जा रहा है और वो कॉलेज से वापस आया और आप उनको पूछते हैं कि बेटा आज का दिन कैसे गुजर रहा है कॉलेज में, ठीक नहीं कुछ अच्छा बुरा क्या हुआ कॉलेज में, कैसा दिन गुजरा बताओ मुझे, कुछ नहीं, कुछ अपने दोस्तों के बारे में मित्रों के बारे में भी कुल। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है या बेटी बड़ी हो रही है उसके साथ जो है बात करें, कुछ पता चलाएं कि क्या हो रहा है, कॉलेज जा रही है क्या क्या कर रहे हैं बाहर जाके घर से, और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। और जब इस प्रकार की आपकी बातचीत हो रही है बच्चे के साथ, दो मिनट बाद उसका मोबाइल फोन बजता है, अब वो उठाया फोन, हेलो हे वेंकट हे कुड यू कॉल द मैन, आई वांटेड टू कॉल यू जस्ट नाउ, I wanted to tell you what happened in college today. But wait, huh? Daddy is here. I'll go to the other room and talk to you. अब बोलते हैं कि क्या हुआ? मैं बच्चे को सब चीज दे रहा हूँ, मैं अपने प्यार और मोहब्बत दे रहा हूँ, मैं सब बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दे रहा हूँ, खाना पीना दे रहा हूँ, क्यों मेरा बच्चा जो है मेरे से पलट रहा है, क्यों वो बात भी नहीं करना चाहता है मेरे से। ये स्टेजेस हम सब इस स्टेज से गुजरते हैं कभी ना कभी, क्योंकि आज के टॉपिक में पॉजिटिव एजिंग का भी बताया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं आज कि जो लोग आगे की सोचते हैं उन लोगों में जो कैपेसिटी होती है आज का तनाव टॉलरेट करने के लिए वो बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीदेंगे कि अगर आग लग जाए तो क्या होना चाहिए, और ना सिर्फ उसको खरीद कर रखेंगे बल्कि ट्रेनिंग देंगे कुछ लोगों को कि अगर आग लगे तो तुम भागोगे, तुम जाके ये करोगे, तुम जाके वो करोगे, तुम फायर स्टेशन को फोन करोगे, कंप्लीट ड्रिल जिसको कहते हैं फायर की वो करेंगे। अब अगर इस ऑडिटोरियम को बनके 50 साल हो गए हैं तो 50 साल में कितनी बार आग लगी है, एक बार भी नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं यहां तो आग लगती नहीं है कभी भी, क्या जरूरत है, क्यों पैसे वेस्ट करें इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। या अगर आप ये बोलेंगे कि जब आग लगेगी ना तो हम बता जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने के लिए, ऐसे तो होता नहीं है। उसी प्रकार से कई ऐसे चीजें हैं जिनको हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं है कि हमारे साथ होगा, क्योंकि हम डील करते हैं हॉस्पिटल से, पेशेंट से, कई ऐसे लोगों से जो बहुत ही बुरे हालात से गुजरते हैं, बीइंग काउंसलर हम उन्हीं प्रकार के लोगों से हमारा ज्यादा उठना बैठना होता है। तो अक्सर एक चीज जो मैं हमेशा देखता हूँ वो ये है कि जो शॉक होता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मेरा बच्चा जो इतना अच्छा पढ़ रहा था स्कूल में था, जब इतना मासूम था और इतना सीधा था, अब जब कॉलेज गया है तो मुझे पता चल रहा है कि वो सिगरेट पीने लगा है और वो कॉलेज से बंक करके
कि सिनेमा को भाग रहा है या मुझे पता चला है कि मेरी बेटी ने गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड अक्वायर कर लिया और ऐसे शॉक हो जाते हैं लोग के जैसे कि कभी होता ही नहीं। आप कितने ऐसे सिनेमा देखे हैं, कितने ऐसे दूसरे लोगों से मिले हैं जिनके बच्चे बड़े होते इस प्रकार के किए, लेकिन हमेशा हम क्या सोचते हैं मेरे साथ ये नहीं होने वाला, ये तो हमेशा बाबू वाले के साथ होता है ना, या सिनेमा में होता है, मेरे साथ नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं कई प्रकार के किस्म के चैलेंजेस में एकदम से उतर जाते हैं विदाउट एनी वार्निंग। लेकिन जो लोग अपने मन के फायर एक्सटिंग्विशर बना के रखे हैं वो चैलेंजेस को सामना कर सकते हैं। अब कैसे किया जाए, सबसे पहले मैंने जैसा कहा आगे की सोचिए, उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाहिए। हर रिश्ता जो होता है, खास करके पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो एक पेड़ की तरह है। आपने बीज डाला, जब आपने शादी की उस समय आपने बीज डाला, उसमें से छोटा सा सैपलिंग निकला। आप उसको उस समय से अगर आप उसका पालन पोषण सही करते जाएंगे तो 20-25 साल बाद वो पेड़ इतना बड़ा होगा और इतना सेल्फ कंटेन्ड होगा कि उसके बाद आप उसको चाहे पानी डालें या ना डालें, फर्टिलाइजर डालें या ना डालें, वो पेड़ अपने आप में मजबूत रहेगा और जिंदगी भर आपका काम आएगा। उसी प्रकार से आपको अपने रिलेशनशिप की ओर देखना चाहिए कि उस रिलेशनशिप को, पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, जो भी आपके रिलेशनशिप हो, उसको मैं कैसे नर्चर कर रहा हूं या कर रही हूं, किस तरीके से मैं उसको बढ़ा रही हूं ताकि जब मुझे उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूं। आपके पूरे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो रिप्लेसिबल नहीं है और वो है मन, ब्रेन। आज भी मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी हम ब्रेन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, उसको रिप्लेस करना तो दूर की बात। कैसे ब्रेन फंक्शन होता है उसके बारे में हम सिर्फ 10% जानते हैं। अभी कितने साल लगेंगे हमको ये उस स्टेज में आने के लिए कि किसी का ब्रेन रिप्लेसमेंट हो सके, नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आपको किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए आपके वृद्धावस्था के लिए, आगे के जीवन के लिए? आपको अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है? जिस तरीके से जिस्म का होता है उसी तरीके से ब्रेन का होता है, यानी कि एक्सरसाइज। हम जिस्म को एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्या कहते हैं कि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मुझे सेहतमंद रहना है तो इसलिए मैं वॉक करूंगा या मैं जिम को जाऊंगा या मैं स्विमिंग करूंगा या मैं टेनिस खेलूंगा या जो भी है मैं करता जाऊंगा, एक्सरसाइज हर प्रकार की एक्सरसाइज करूंगा ताकि मेरी बॉडी फिट रहे। उसी प्रकार से आपको अपने मन को फिट रखने के लिए मन के एक्सरसाइजेस करना चाहिए। अगर आप टेक्निकल ट्रेड के हैं, आप ऑफिस जाते हैं और आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, सब लोग पॉइंट आउट करते हैं आपको, कहते हैं कि भाई इससे अच्छा टेक्निकल आदमी इस फील्ड में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का या ये मैकेनिकल या फलाना ये चीज में जो है ये बड़े एक्सपर्ट है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने जो काम है या अपना जो ड्यूटीज है या अपना जो मन टेक्निकल लाइन में लगता है उससे हट के दूसरे चीजों में प्रैक्टिस करें। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर अपना हाथ इस्तेमाल करता है तो कहेगा कि मेरे पैर भी तो मजबूत होने हैं, तो मैं मेरा काम एक जगह बैठ के करने का है तो मेरे हाथ को तो एक्सरसाइज मिलती है लेकिन मेरे पैर को नहीं मिलती है, इसीलिए मुझे वॉक करना चाहिए। तो आप जो काम डेली रूटीन में करते हैं उससे हट के आप कुछ और कीजिए, आप कोई ना कोई इस प्रकार के नए काम कीजिए जिससे कि आपके मन को एक कंप्लीट होलिस्टिक एक्सरसाइज मिले। आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, आप जाके उनकी किताबें खोल के उसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट लीजिए। कुछ सब विषय ऐसे होंगे जो आप जानते हैं, कुछ विषय ऐसे होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते या उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं, जब आप पढ़ते थे और आज में बहुत बदलाव आ गए थे, तो चाहे आप माँ हो या पिता हो आप उनके बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि डैडी या मम्मी इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे किताबों में,
तो जो रोल मॉडलिंग होगी उसकी वजह से बच्चों में भी इंटरेस्ट आ जाएगा, जब आप वो सब्जेक्ट के ऊपर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकेंगे आगे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या भी हासिल कर रहे हैं, आपके ब्रेन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो क्या आप हमेशा एक या दो पेजेस भी पढ़ते हैं? आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स पढ़ लेते हैं, कोई बिजनेस के बारे में अरे मुझे क्या लेना देना है भाई बिजनेस से, मैं तो मिलने का आदमी हूँ, नहीं पढ़ते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, पढ़िए। कोई और एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में पढ़िए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, जो भी है टीवी में आपके प्रोग्राम आते हैं हमेशा आप एक ही प्रोग्राम देखते हैं जो अपने पसंद का हो, या कभी चैनल चेंज करके ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। अगर वो करेंगे आप तो आप अपने मन को अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, और अगर आपका ब्रेन एक्टिव हो तो आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो गया आप उसको सुलझा सकेंगे। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और चूंकि कई महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, उनको मैं एक और बात प्रिकॉशन कर दूं कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अक्सर ये बोला जाता है कि मर्द जो है वो औरत के दुश्मन होते हैं, मर्द जो है औरत को नीचा दिखाते हैं, या उसको ये कहते हैं कि सबसे बुरे दुश्मन जो है वो मदर इन लॉ होती है, सास, उनके बारे में अपने दोस्त ट्रैक किए जाते हैं, वो सब होता है ना। मैं आपसे कहूँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिंदगी में आपका कौन सा है, वो है आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को नीचा होने देंगे, सेल्फ वर्थ आत्मसम्मान, अगर आप अपने आप को नीचा दिखाएंगे या अपने आप को उस आप में ये बिलीफ नहीं होगी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे भी सार्जेंट या वारंट ऑफिसर या स्क्वाड्रन लीडर बनना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई पद्धति हासिल करें आप या कोई स्टेटस हासिल करें आप, लेकिन हर व्यक्ति चाहे उसका कोई रैंक हो या ना हो, स्टेटस हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसमें आत्मसम्मान होना जरूरी है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं एक अच्छी बेटी हूँ, अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी माँ हूँ, अच्छी पड़ोसन हूँ, अच्छी सिटीजन हूँ हमारे देश की? अगर आप में ये आत्मसम्मान हो तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई पीछा नहीं कर सकता है। इस चीज का आप बहुत ध्यान में रखें, वरना होता ये है कि आगे चलते 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 आप में एक फीलिंग आती है, कितने ऐसे महिला में देखा हूँ मैं जो मिड लाइफ क्राइसिस फेस करती है, मैंने जो 13-18 के बच्चे बड़े हो गए निकल गए तो अब मैं क्या करूँ, अब तक तो ठीक है मेरी जो जीवन था मेरा जो फोकस था वो बच्चे थे, अब क्या करना है, अब पति भी अपने काम में बिजी है, जो कुछ भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, उनको भी कोई खास ऐसा लगता नहीं है कि मेरी जरूरत है उनको, तो मेरा क्या अस्तित्व है, वॉट इज माई आइडेंटिटी, वो सवाल अगर आप में आ जाए उसका अगर आप जवाब ना दे सकें तो आपके जीवन जो आगे चलने वाला जीवन है वो बहुत बुरा होगा। आज ही उसको बताइए, जैसे भी हो जो भी हो अपना जीवन जो है उसको सरल रखिए, सीधा रखिए, कॉम्प्लिकेशंस में मत आने दीजिए, जो अच्छी चीज है उसको अच्छी देंगे, जो बुरी चीज है उसको बुरी देंगे। कई बार लिमिटेशंस आते हैं जीवन में, हर चीज हम हासिल नहीं कर सकते, कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगे, कभी हेल्थ के प्रॉब्लम आएंगे, कभी बच्चों के प्रॉब्लम आएंगे, कभी बॉस के प्रॉब्लम आएंगे, उस चीज को अपने रफ्तार में लेके आगे चलिए और प्रैक्टिस कीजिए कि उसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे उसको फेस करना चाहिए, कैसे उसको एंटिसिपेट करना चाहिए। प्रदेश के लिए बता दीजिए तो आप आगे बढ़िए, जीवन को बेहतरीन बनाइए, अपने फैमिली को अच्छे बनाइए, आगे चलकर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ये वैसे नरेंद्र मोदी जी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हमारे देश के बारे में कह रहा हूँ कि इन 60 सालों में मैंने जो देखा है, मैं ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आने के लिए हम अपने आप अच्छे दिन क्रिएट करें। इस चीज पर आप ध्यान दें और काम करते जाइए, आगे चलते बहुत अच्छे दिन आएंगे। जय हिंद।